सो वेलकम गाइस जीएस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, तो मैं क्लियर कर देता हूँ मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि जो 2020-2021 के जो नए यूट्यूबर हैं, बिगिनर यूट्यूबर हैं, वो कौन सी वीडियो बनाएंगे तो सक्सेस करेंगे। तो मैं इसी के बारे में पूरी वीडियो रहेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तब तक वीडियो पर बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला टॉपिक और पहला माइंड डिस्टर्ब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कौन से यूट्यूबर 2020-2021 के सक्सेस करेंगे। तो जो देखिए, जो 2020 से पहले की जितने वीडियो देख के जो यूट्यूबर बोलते हैं ना कि अभी मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, जो दूसरों को देख के सीखो जरूर, बट उनसे अलग करोगे तो ही होगा। यानी सीधा साफ कहने का मतलब ये है कि जो 2020 में नया कंटेंट लाएंगे, जो खुद का ट्रेंड बना सकते हैं, खुद का एक यूट्यूब का एक अलग ही नाम प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, वही यूट्यूबर सक्सेस करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा वो कमेंट आप कर सकते हैं, मैं उसमें बता दूंगा, ठीक है। सेकंड, तो देखिए सेकंड बात ये बोलते हैं कि मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि कैसे वीडियो यूट्यूब व्यू कैसे लाए, ये वो कोई बात नहीं है। जिसमें मैं पहला वीडियो बना चुका हूँ आपसे, वहां जाकर क्लियर हो सकते हैं। ये थंबनेल यूट्यूब देखो, मैं अगर ये बताऊंगा तो ये वही बात हो जाएगी, क्योंकि 2020 में ऐसे बहुत यूट्यूबर ने बता दिया कि थंबनेल डालिए, अट्रैक्टिव बनेगा, व्यू डालिए। मैं ऐसा नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी 2020 से चालू किया हूँ तो मैं कुछ नया बताने वाला हूँ। तो मैं आपको थंबनेल वाला चीज बिल्कुल ना बताइए यूट्यूब में, क्योंकि ये सब आपको इम्पोर्टेंट है जो यूट्यूब टिप्स में है, इसको आप कीजिए, बट कुछ अलग करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई फोटोशॉप, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं अपना अगर मैं यूट्यूबर हूं तो मैं यूट्यूब टिप्स देता हूं, तो पहले आप रिसर्च कर लीजिए यूट्यूब में कि यूट्यूब टिप्स वाले कितने चैनल हैं और कौन कौन सा चीज बताया गया हो। और जैसे कोई भी नया आपको लगता है कि अपडेट आया, आप उसको पहले बता सकते हो, बहुत अच्छा क्लियर बताइए। अगर आपको लगता है इस चीज पर वीडियो नहीं बनाए, रिसर्च कीजिए, आप उस पर वीडियो बनाइए। हालांकि व्यू कम आएगा, जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, व्यू से हमको नहीं लेना देना है। अभी आपको एक प्लेटफॉर्म अच्छा तैयार करना है, क्योंकि यूट्यूब उसी को अभी दे रहे हैं अपडेट नेक्स्ट, जो बहुत ही अलग कंटेंट दे रहे हैं, जो लोगों की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आपको रिसर्च सेंटर में आना है तभी आपको यूट्यूब पे व्यूज एंड सक्सेस यूट्यूबर बन सकते। और थर्ड बात, आपको वीडियो कैसी बनानी है ये क्लियर करना है। तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं बहुत से टैलेंट, कई लोग मेहंदी, रंगोली, टॉपिक, यूट्यूब, फोटोशॉप एडिटिंग, ये वो अदर जितने भी टैलेंट है, आप सब पे वीडियो बनाइए, क्योंकि ये सब चीज तो चलते आ रहे हैं। बट 2020 में आपने क्या सीखा, आपका टैलेंट को बताना है। यानी साफ सी बात बहू, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हम लोग फोटोशॉप एडिटिंग करते हैं, जैसे मैं भी किया हूँ बहुत से चैनल, तो आप वैसी ही एडिटिंग बताइए जो बिल्कुल अलग है, या इस पर वीडियो नहीं बनी है। सिर्फ व्यू के चक्कर में आप वो वीडियो पे लाएंगे तो 30 व्यू करके आपको कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले तो वो दूसरे के सब्सक्राइबर है ना, वो आपको देख के, आपके पास एक ही वीडियो देख के नहीं आ सकते। बट एक ही वीडियो ऐसी बनाओ जो बहुत ही अलग हो, सबसे अलग हो, तो उसको देख के आपके हजारों सब्सक्राइबर, हजारों व्यू आ सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमको कोई भी चीज जब बनाना है तो सबसे अलग होनी चाहिए। उससे पहले आप रिसर्च कर लीजिएगा, अगर इस पे नहीं है वीडियो तो आप उसी पे बनाइए, ठीक है। आपको तीनों बातें मैं बता दिया हूँ, इसकी अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आने वाली, तब तक के लिए जो भी टिप्स मिले आपको उसको फॉलो कीजिए, मैं अगला वीडियो भी बनाते जाऊंगा। और जिस किसी को भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना, मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूंगा, आप मुझे सीधा वहां से मैसेज कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।